साथियों, 26 जून को आपका पेपर हुआ है। 26 जून को बिहार इंटीग्रेटेड बीएड का, बिहार 4 वर्षीय बीएड का आपका पेपर हुआ है, बिहार 4 वर्षीय बीएड। ठीक, तो आपका जो पेपर हुआ है, तो पेपर के बाद बहुत सारे डाउट है, तो जितने भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है कि एडमिशन की प्रक्रिया कैसे चलेगी, साथ ही साथ आगे क्या रणनीति होगी, हमारा आंसर की क्या होगा, रिजल्ट को लेकर क्या होगा। ठीक, तो जैसा कि आपको पता होगा साथियों, आपको रिजल्ट के साथ साथ आप आंसर की को लेकर बहुत सारे बच्चों का जो डाउट है, तो आंसर की जो कि टीचिंग ओरिएंटेड टेलीग्राम ग्रुप है, जहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम पे लिखना है आपको टीचिंग ओरिएंटेड, क्या लिखना है, टीचिंग ओरिएंटेड आपको लिखना है, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां जाइएगा, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप में आपको सभी सेट का, जैसे ए बी सी डी जितने भी सेट है, सभी सेट का ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुका है। ऑफिशियल आंसर की हमारा यह भी जारी हो चुका है, और इसे वेबसाइट पर देखने के लिए आप बिहार इंटीग्रेटेड बीएड लिखना है, बिहार इंटीग्रेटेड, ठीक, इंटीग्रेटेड बीएड आपको लिखना है। जैसे ही आपको लिखेंगे तो ऊपर में आपको एक ओपन होगा वेबसाइट को, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ आंसर की का ऑप्शन शो करेगा, जो कि आप ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुका है, जहां से आप मिलान कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई डाउट है तो आप इसे कंप्लेन करने का भी ऑप्शन है। आंसर की को लेकर जो भी डाउट होगा, ये खत्म हो गया होगा। अब बात बचता है कि रिजल्ट कब आएगा, तो साथियों जिस पल का आप इंतजार कर रहे हैं, उस पल आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिल जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर। ठीक, यानी 1 सप्ताह के अंदर आपको आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट इस वीक में आपको रिजल्ट देखने को जरूर मिल जाएगा रिजल्ट को लेकर। अब ये हुआ कि अगर रिजल्ट आ जाता है तो अभी से आपको क्या क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत सारे है कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या करना, हर एक बात को आपको मैं इस वीडियो में समझाऊंगा, क्या क्या करना होगा, क्या क्या करना होगा। ठीक, तो पहला बात, रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही आपको रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट की जो प्रक्रिया होती है, रिजल्ट आ जाएगा, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड करेंगे, तो आपके जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक होगा क्वालिफाइड और एक होगा नॉन क्वालिफाइड। जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, ठीक, और अनक्वालिफाइड मतलब नॉट क्वालिफाइड हैं, तो क्या होता है, इसमें देखा गया है कि अगर देखिए 4 कॉलेज हैं अभी के हिसाब से, 4 कॉलेज हैं जिसमें 400 सीट है। ठीक, यानी प्रत्येक कॉलेज में, एक कॉलेज में 100 सीट, ऐसे 4 कॉलेज हैं। ठीक, तो 3 हमारा यह 4 कॉलेज हुआ, सब में एक एक 100 सीट है, अभी के हिसाब से 400 सीट है। लेकिन कभी ये देखा गया है कि अभी के अकॉर्डिंग यह 400 सीट भरा जाएगा, लेकिन उसमें एक और न्यूज आई है कि एलएनएमयू को, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेज में आपका यह इंटीग्रेटेड बीएड का सीट बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नोटिस नहीं आया है, ऑफिशियल नोटिस, लेकिन ऐसा न्यूज में देखने को मिला था। लेकिन आप ऐसा अनुमान करेंगे कि 400 सीट आपके लिए हैं, 400 सीट, तो क्या होगा, जैसे 400 है तो ये रिजल्ट कितने का देंगे आपको, रिजल्ट के हैं आपको इससे 3 से 4 गुना रिजल्ट देते हैं। ठीक, रिजल्ट आ गया, मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, इस पे आपको क्वालिफाइड भी कर गए। अब देखिए कट ऑफ की बात करता हूँ, कट ऑफ कितना कट ऑफ जा सकता है। देखिए आपको 120 क्वेश्चन का जो पेपर हुआ था, उसमें आपको मान के चलना है कि अगर आपका 40 मान के चलिए, 40+ अगर आपका नंबर है, 40 अगर 40+ नंबर है, तो होने की चांस ज्यादा है। ठीक, एक बार रिजल्ट का वेट कर लेंगे, तो 40+ वाले जितने हैं, ठीक, तो सभी उनके लिए क्या करना पड़ेगा, 40+ जितने भी आए हैं, उसे कम भी हो सकता है बट, लेकिन 40+ वाले को हो जाना चाहिए। तो 40+ अगर आपका आंसर की से सबसे पहले जाना है टीचिंग ओरिएंटेड टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां आप क्या कर सकते हैं, आंसर की से एक बार आप मिलान कर लीजिए। इसके बाद पूरी प्रक्रिया क्या होती है, अगर मान लीजिए आपका आ गया क्वालिफाइड, क्वालिफाइड आप कर गए, ठीक, क्वालिफाइड आप कर गए, तो जैसे ही आप क्या करेंगे, क्वालिफाइड करेंगे, तो क्वालिफाइड करने के बाद आपको कुछ नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज भी आता है, और आप वेबसाइट के माध्यम से आप चेक भी कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती है। रजिस्ट्रेशन में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं, जितने भी बच्चे क्वालिफाइड हैं सबको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जितने भी कास्ट के हैं सबको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन किस लिए करना पड़ता है? काउंसलिंग के लिए। इसके बाद आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, और यह काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया दरभंगा में होती है। क्या होती है? दरभंगा में होती है, और दरभंगा में एक हॉल है, जुबली हॉल, जुबली हॉल, जिसमें आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है। जुबली हॉल में काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है, पूरी प्रक्रिया जुबली हॉल में होती है। तो आपको सबसे पहले रिजल्ट के बाद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया होती है, और यह कहाँ होगी? यह दरभंगा के जुबली हॉल में होगी। कहाँ होगी साथियों? जुबली हॉल में होगी, और ये काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको आपको 10th का सर्टिफिकेट, ठीक, 12th का, इतना आपको रखना है। साथ ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के तहत गए हैं, अगर आपका ओबीसी के तहत क्वालिफाइड है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी लगेगा। जाति, ठीक, जाति, कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं लगेगा, जाति जो है ये ओबीसी, अगर आप लगाए होंगे, अगर इसके तहत क्या होता है कि अगर आपने छूट लिया होगा कि ओबीसी का इतना पर कट ऑफ है, इतना पर पास है, तो आपको ये देना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। ठीक, इतना हो गया। तो बात आगे क्या होता है, जब आपके काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग कैसे होती है, एक दिन में आपको कम से कम 200 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। जुबली हॉल में आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? जुबली हॉल में आपको जाना पड़ेगा। जुबली हॉल कहाँ है? जुबली हॉल दरभंगा में है। ठीक, मैं आपको पूरी सपोर्ट करूंगा। दरभंगा में जो है ये ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, LNMU, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसके कैंपस में आप किसी से पूछेंगे जुबली हॉल, तो ये लोग बता देते हैं। मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा, जैसा कि मैंने आपने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ हूँ, जिसके माध्यम से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जुबली हॉल में 200 बच्चों को अगर एक दिन बुलाया जाता है, जिसमें कितने बच्चे, क्या सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है, ये सभी मैं बता दूंगा अगली वीडियो में कि क्या क्या लेकर जाना है, कैसे जाना है, पूरी प्रक्रिया में बता दूंगा। ठीक, तो एक इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है ये बता दूंगा। तो ये जो होता है उसमें आपको सबसे पहले, और एक बात कि अगर उसमें दो कोर्स चलता है, बीए बीएड, इस चीज को जरूर गौर कर लीजिएगा, बीए बीएड और बीएससी बीएड, क्या बीए बीएड और बीएससी बीएड, तो आपको पहले प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी तो आप कॉमन बीएड का एंट्रेंस दिए थे, इंटीग्रेटेड बीएड का, अब आपको चूज करना पड़ेगा कि मुझे बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हुआ आर्ट से और ये हुआ साइंस से, 4 साल आपको पढ़ना है, कितना, 4 साल पढ़ना है, तो उसमें एक ऑनर्स पेपर भी रखना होता है। तो आप क्या अगर बीए बीएड करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज हुआ, जैसे इंग्लिश हुआ, ठीक, हिंदी हुआ, क्या आपका अदर अदर हिस्ट्री पॉलिटी अलग अलग, बीएससी में क्या है आपका, बॉटनी हुआ, ठीक, बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, क्या उसके बाद मैथ हुआ, उसके बाद फिजिक्स हुआ, उसमें एक आपको ये भी चूज करना पड़ेगा कि आपको बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है। अगर आप आर्ट से करना चाहते हैं तो बीए बीएड, अगर आप साइंस रखना चाहते हैं तो बीएससी बीएड। ठीक, तो इस प्रकार जो है क्या हमारा कैरियर ऑप्शन होगा, इसको लेकर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप अगर आप इतना तो जरूर होगा कि हम बीए बीएड करेंगे कि बीएससी बीएड करेंगे, इतना आप अभी जो समय है इस समय में आप सोच लीजिए कि मुझे बीए बीएड करना है कि बीएससी बीएड करना है। ठीक, इतना आपको जरूर अभी सोच के रखना है, जब तक रिजल्ट आता है तब तक आप अपने दोस्तों से, फैमिली से ये डाउट को क्लियर कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि 4 साल पढ़ना है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, ठीक, क्योंकि बीएड में 4 वर्षीय बीएड है, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे वही अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा, किसी के कहने पे नहीं। ठीक, तो यह पूरी प्रक्रिया चलती है। उसके बाद क्या होता है, जब काउंसलिंग पूरा हो जाएगा, जब काउंसलिंग पूरा हो जाता है, तो आपको कहता है कि 10 दिन का समय दिया जाएगा कि आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिए। तो आप अगर जो 4 कॉलेज हैं, ये 4 कॉलेज जो है बिहार में, 4 कॉलेज हैं, उसमें आप जाकर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। आपको 10 दिन का ये समय देते हैं, काउंसलिंग के बाद उसमें जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार एडमिशन की पूरी प्रक्रिया को आपने जाना समझा, और रिजल्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, इस प्रकार रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपने देखा और समझा। अगर कहीं भी अगर डाउट है तो आप
मैसेज छोड़ दीजिए, मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक, तब तक मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद साथियों।